हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डिस्क। दोस्तों, आज हमारे पास रियलमी ओप्पो का स्मार्टफोन है और इन दोनों स्मार्टफोन में लॉक लगा हुआ है। कैसे हम इस फ़ोन के लॉक को अनलॉक करेंगे सर्विस सेंटर वाले मेथड के साथ, और यहां पे आपका कोई डेटा भी डिलीट नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए कैसे फ़ोन को लॉक अनलॉक किया जाता है। तो लॉक अनलॉक में होता क्या है कि फ़ोन जब लॉक हो जाता है तो उसको अनलॉक किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप लोग को पता होगा कि फ़ोन को अनलॉकिंग करने का तरीका बहुत सारा है। FRP है, मिरेकल बॉक्स है, बहुत सारे टूल्स है। ऑफलाइन तरीका सिर्फ एक ही एक है जिससे हम आपको हमेशा बताते हैं। तो दोनों फ़ोन हमारे पास है और यहाँ पर हम अपने दोनों फ़ोन को अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपके पास भी कोई फ़ोन है तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने दोनों फ़ोन को रीस्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपने दोनों फ़ोन रियलमी ओप्पो दोनों फ़ोन को हमने यहाँ पे रीस्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप भी ऐसा सीखना चाहते हैं तो जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और ध्यान रहे जब भी कोई फ़ोन लॉक हो, कोई मेथड यूज करें, तो दोनों फ़ोन, तीनों फ़ोन, जितने भी फ़ोन हैं आपके पास, अगर आप दुकानदार हैं तो, अगर आप एक कस्टमर हैं तो आपको भी अपना जो फ़ोन है आपके पास उसको रीस्टार्ट या ऑफ़ करके ऑन करना ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रियलमी ओप्पो दोनों स्मार्टफोन है, दोनों को हमने ऑफ़ करके फिर से ऑन किया है, और यहाँ पर एक मैसेज जो कंटिन्यू अप शो करेगा वो है पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन फ़ोन रीस्टार्ट। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हमारे रियलमी ओप्पो दोनों ही डिवाइसेस में आपको ये देखने को मिल रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे ये सीखिए आप। इमरजेंसी कॉल पे आपको चल जाना है, यहाँ पे डायल करना है *#899 और है जिस तरीके से। जब ये ऑप्शन आप डायल करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इंजीनियर मोड वाले ऑप्शन में। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, नहीं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा कुछ छोटा मोटा ट्रिक है, उसको कीजिएगा, फ़ोन आपका 100% अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे मैनुअल टेस्ट पे आप चल जाइएगा, और मैनुअल टेस्ट पे जाने के बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखे तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को एक बार पावर बटन दबाएं, ऐसे करें, ये देखिए, दो बार करने के बाद इसको क्लिक कर दें, ये कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। देखिए, अब ये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ आएगा। अब सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे पास करना है। देखिए, जितने भी ऑप्शन आएंगे सभी को आपको यहाँ पे पास कर देना है। तो जो मैं कर रहा हूँ आप इसको अपने हिसाब से आप फॉलो करेंगे, और तब जाके आप इसको बैक करेंगे, फिर पास करेंगे यहाँ पे, फिर इसको बैक करेंगे, पास करेंगे, फिर इसको बैक करेंगे, पास करेंगे, जो भी ऑप्शन आएगा उसको बैक करके पास करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी को आपको पास करना है वन बाय वन। ये देखिए, सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे पास करना है, जो कि इस स्टेप में किया जाता है। अब ये एक ऑप्शन यहाँ पे आप थोड़ा फंसिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम अप, डाउन एंड पावर बटन चेक यहाँ पे होगा, ऑल की हैज बिन पास यहाँ पे आपको दिखाया गया था। अब यहाँ पे इसको भी आपको बैक करके पास कर लेना है, इसको भी बैक करके पास कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन पास हो गए, ठीक है, हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन को पास कर दिया। अब यहाँ से बीच से हम जब स्क्रॉल करेंगे तो फ़ोन हमारे ये अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, इमरजेंसी कॉल पर आप जाइएगा, फिर तो वही *#899, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ऑफ है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा चेंज किया है। अब चेंज क्या किया है कि हमने अपने फ़ोन के जितने भी मिरेकल्स बॉक्स में जो टूल्स होते हैं उनके अपग्रेड के कारण हमने यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को चेंज किया है। जैसे ये यहाँ पे रियलमी का जो डिवाइस है, तो रियलमी के डिवाइसेस के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओप्पो का कोई डिवाइस है तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सोचने वाली बात है। नेक्स्ट जो हमें प्रोसेस करना है अपने ओप्पो के स्मार्टफोन में, वो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंजीनियर मोड वाला पेज है, तो यहाँ हमें सॉफ्टवेयर वर्जन पे एक बार चेक करना है। सॉफ्टवेयर वर्जन में हमें जाके यहाँ पे मॉडेम वर्जन पे कंटिन्यू क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे पास हो जाता है। अब इसके बाद आपको फैक्ट्री वर्जन पे कंटिन्यू क्लिक करना है 7 से 8 बार।
अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैक कीजिएगा, मैनुअल टेस्ट पे जाइएगा, सेकंड वाले ऑप्शन में आपको सेंसर टेस्ट करना है। दोनों सेंसर को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है और एक सेंसर का पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे देख ली एक फेल एक पास फिर से हो गया है। और बैक करेंगे, बैक करने के साथ साथ हमें सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना है जो कि रीडिंग रिसेट वाले ऑप्शन आएगा, यहाँ भी पास हो गया है, बैक करेंगे और उसके साथ की स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब की स्टेटस पे देखिए सारे जितने भी की है सब पास हो चुके हैं, गूगल के साथ जितने भी की हमने यहाँ पे लगाए थे सारे की हमारे पास हो चुके हैं, रिसेट हो चुके हैं। जब भी आप बीच वाला बटन दबाएंगे तो फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा और आपसे कोई भी पासवर्ड पैटर्न पिन नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत होती हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।